हाँ भाइयों, सेम पर गौर फरमाइए। सपना अपने फार्म हाउस पर बैठकर सोच रही है, क्योंकि सपना ठाकुर रघुवीर सिंह से प्यार कर लिया और ठाकुर रघुवीर सिंह के प्यार का फल सपना के पेट में पल रहा है। सपना सोच रही है कि अगर ठाकुर रघुवीर मुझसे शादी नहीं किया तो मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। यही सोचकर सपना देखो रो रही है और सोच रही है मन ही मन। ठाकुर रघुवीर सिंह के प्यार का फल मेरे पेट में पल रहा है, अगर जो मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बहाने बताऊंगी अपने घर में। अपने होने वाले बच्चे का नाम किसका नाम लूंगी मैं। मेरे भगवान ये क्या दिन दिखाया, प्यार कर मैंने दो होके रो रही हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो खाली दुनिया में सपना तुम्हारे लिए, खाली दुनिया में सपना अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, घर तुम्हारे अभी आने वाला था मैं। आती दुनिया की छोड़ो सुनो ध्यान से मेरे मन का ये सोना कमल रह गया। मैं समझा नहीं कुछ। मेरे मन का ये सोना कमल रह गया, मैं कलंकित बनी न कहीं की। तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
क्या कहा, तुम्हारे पेट में 6 महीने का बच्चा पड़ रहा है और आज तक तुमने मुझसे बताया नहीं। एक औलाद के लिए, एक बच्चे के लिए मेरा पूरा परिवार परेशान है। और जब भगवान ने हमारी पुकार को सुन लिया तो आज तुम बच्चे के विषय में रो रही हो। क्या करूं सपना, तुम्हें मालूम नहीं होगा कि हम उस आने वाले बच्चे के विषय में क्या सोच रहे हैं। जानना चाहती हो क्या सोच रहे हैं? तो छोटे बच्चे को गोदी जब वो रोने लगे शादी से पहले तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। तुम यही सोच रही हो कि शादी से पहले अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो गांव, ये समाज, ये दुनिया हमको क्या कहेगी। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मालिक ने चाहा तो हम तुमसे बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए भैया ने भी कह दिया है और ठकुरान शीला भी मान चुकी हैं। आप चिंता मत कीजिए। और कहां जा रहे हैं तुम लोग? हम लोग रियासत में घूमने निकले थे। मैकू लाल ने कहा चलिए हम लोग फार्म हाउस होते हुए चले, वहां का भी समाचार ले ले। लेकिन छोटे भैया क्या बात है, ये सपना है ना? हाँ ये सपना है। अच्छा काली माई का तो मेला लगता है। काली माई बोलो उनको, वो माता जी हैं। हाँ हम सब की माता। हाँ तो जो उस दिन बात कर रहा था जत्ता सिंह, वही मैं देव रहा हूँ कि आप सब सपना की कुछ प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। और बात तो छोड़िए, सपना हमारे बच्चे की मां बनने वाली है। यही तो मैं इनको समझा रहा हूं कि हम लोग एक बच्चे के लिए परेशान है। क्या तुम जानते हो कि सपना एक फार्म हाउस पर काम करने वाली नौकरानी है? क्या बड़े भैया से माधवपुर की ठकुराइन और अपनी बहू स्वीकार करेंगे? और चंद्र सिंह बड़े भैया इस
शादी को मंजूर करें या कि ना करें। सपना एक नौकरानी थी लेकिन अब नहीं, अब वो हमारे दिल की रानी है। छोड़े भैया, हम जानते हैं। ए माइकुलाल, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या ले रहे हो? फोटो लेकर के क्या करोगे? अगर ये फोटो इस हालत में व्हाट्सएप या फेसबुक पे चली गई तो ये समाज और क्या कहेगा? सोचो, अभी तो रो रही है केवल। देखो हमारे लम्बरदार, हम बहुत बढ़िया मनाई है। बढ़िया आदमी कहो साले, हम बढ़िया और मनता है। नहीं, फोटो भी मत लो, जब हमारी शादी हो जाएगी तब ये फोटो लेना। छोड़े भैया, क्या बात है? हम मानते हैं कि आप सपना से बेहद प्यार करते हैं और तुम्हारा प्यार सपना के पेट में पल रहा है। मेरा भी कहना मानो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सपना से जैसे प्यार किया है वैसे सपना को लेकर जाओ साईं बाबा के मंदिर में, सपना से गंधर्व शादी रचा लो। उसके बाद सपना को दुल्हन बनाकर हवेली लेकर बड़े भैया से आशीर्वाद लेने आओ, बाकी जो होगा हम संभाल लेंगे। ये कैसे हो सकता है? मैं एक छत्री खानदान से हूँ और मैं चोरी चुपके शादी करूँ? ये नहीं हो सकता। चाचा जी ठीक कह रहे हैं, अगर जी आप दोनों गंधर्व शादी कर लेंगे तो हो सकता है आशीर्वाद लेने चले। बड़े भैया खुश होकर के आशीर्वाद दे देंगे। हमारा मतलब है कि हम लोग शादी कर लें उसके बाद भैया से आशीर्वाद। जी भैया, शादी काली माई का मंदिर है ना, फिर जयमाल छोड़ो और शादी हो ही गई। मतलब तुम्हारी शक्ति ये कह रहा है सपना, तेरे चेहरे से पहले तो फोटो मत लो, ये वीडियो तो बिल्कुल बनाना मत, समझ गए ना? सुनो, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सपना, मैंने तुम्हारे साथ प्यार किया है तो मेरी बात को सुनो। तो साईं बाबा के मंदिर सामने ब्याह गंधर्व कर, आज सपना मैं तुमको बनाऊं दुल्हन। हो कि पांव भारी हो गया है, नहीं चल पाऊंगी, घुमा फिरा के बात कर रही हो। अरे नहीं चल पाओगी तो हम तुमको उठा करके ले चलेंगे। क्या है चाचा जी? अरे तो चाचा जी क्या नहीं जानते? हाँ तो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने भी किया होगा। चलो फिर देर मत करो जद्दा सिंह, मैं एक बात तुमको समझाना चाहता हूँ। अगर ये बात है, आप लोगों ने मुझे रास्ता बताया, तो जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है तब
तब तक ये राज भैया को नहीं मालूम होना चाहिए। ठीक है, घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती है हम लोग हवेली की तरफ जाएंगे ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, और सपना देर मत करो, चलो हम साईं बाबा के मंदिर में चल करके शादी करते हैं। आओ चलो भाई कुलाल, ये बताओ वीडियो बढ़िया बनाया तुम? वीडियो तो कई प्रकार के बनाए हैं, हाँ वीडियो फोटो खोल ले हैं। देखिए छोटे भैया ने कहा है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है ये बात बड़े भैया तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं गुलाल तत्काल इसी वक्त हम चलते हैं हवेली, और ये राज और ये वीडियो बड़े भैया के सामने तत्काल पेश करो। ओ भैया मोबाइल ले जाओ, चाहे बड़े भैया का दिखाओ चाहे बड़े दादा का दिखाओ। क्यों इधर उधर झूठ बोल ना पाओ? मैं कुलाल से तो बाल बच्चा है। एक बात तो तुमसे पूछना भूल गया, ये बताओ सपना तुम्हें कैसे लगे? अरे सपना जैसे साड़ी देवी लाग क्या? वैसे सपना मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, प्लान सोचो, सोचूंगा। चलो आइए हम सबसे पहले भागते हुए हवेली पर चलते हैं। आइए। अरे जब घर कुमति के पास हो सुख सपने मनाही, एक बात ये बताओ, अभी तो तुम कह रही थी पांव भारी है चल नहीं पाऊंगी, और जब बात शादी की आई तो इतना तेज आ रही हो कि पसीना हमको आ गया। वैसे मंदिर आज गए हैं, अब इसमें कोई शिकायत नहीं है। आओ हम पहले विवाह करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। साईं बाबा के सामने आज मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर डाल करके और तुमको हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। हे श्रीजी के साईं बाबा, हम शरण तुम्हारी आए हैं, गंधर्व विवाह रचाने को बस तुमसे विवाह रचाने को हम दोनों आस लगे के साईं बाबा, हम धोखा नहीं कमाएंगे। मैं आपको साक्षी मान करके बाबा जी कह रहा हूं कि मैं सपना के साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। हे शिरडी के साईं बाबा, हम धोखा नहीं कमाएंगे, और फर्जपति का जो भी है हम
हम पूरा उसे निभाएंगे खर्ज पति का। सपना की मांग में सिंदूर डाल करके सपना को हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। बोल दो साईं बाबा की। पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? हाँ, मंदिर के पुजारी हो, लेकिन जय बोलना नहीं आ रहा है। दुर्गा की मातारी नहीं, दुर्गे माता तुम्हें बोला जाता है। वैसे महाराज नहीं, गणेश महाराज बोला जाता है। चलो ठीक है, जो भी बोलो ठीक ही है। सदा सुहागन रहो। खुश रहो, जब तक जीवित रहो जब तक तुम्हारा सुहाग जिंदा रहे। और ये आ गए हमारे भैया लल्लू प्रधान, गोकुला के निवासी है, गोकुला गांव के। ये दोनों परानी का भाई 25-25 रुपए नाम हाथों हाथ देते हैं। कहीं जाओ मिठाई मिल ना पाए, गुल्लैया दो तीन पैकेट गुल्लैया लाया, सुहाग रात में गुल्लैया खाए। हाँ, हमारे प्रधान भैया बैठे हैं। हाँ, दोनों ने ले लिया है 25-25। सपना, आज तुम हमारी पत्नी हो गई हो, और पत्नी होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूं, ये तो मंदिर है, मंदिर के पीछे छोटी सी झील बह रही है। हमारा दिल कह रहा है कि गर्मी का मौसम है और थोड़ा झील के किनारे बैठ करके आराम करेंगे, उसके बाद भैया से चल करके आशीर्वाद लेंगे। चलिए उस झील को देखना चले आओ। हम रणवा सम्मेलन के सचिव हैं, जिन भाइयों के शादी नहीं हुई है, हम साईं बाबा से उनके लिए मांगन मांगेंगे कि हे बाबा, जितने रणवा भाई हैं सबकी शादी करवाइए। आप स्वर्ग लोक के वासी हैं, इस नरक लोक का ध्यान करो, और धरती पर जतना रणवा है सबको तुलहिन पर।